ये बात तो हर कोई जानता है कि सिद्धार्थ शुक्ला अगर आज इस मुकाम पर हैं तो अपनी माँ की वजह से हैं, क्योंकि वो तो हर वक्त घूमते थे, एंजॉय अपनी लाइफ को करते थे, हीरो पंथी खूब दिखाते थे, लेकिन उनकी माँ ही वो थी जिन्होंने उनको पुश किया कि जा और जाकर अपनी हीरो पंथी सही काम पर लगा। उन्होंने उन्हें मॉडलिंग के एक प्रोजेक्ट के लिए भेजा जहाँ किस्मत उनकी चमकी और वो जीत भी गए। उसके बाद क्या क्या हुआ सिद्धार्थ अपने रीसेंट इंटरव्यू में बताते हुए नजर आए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने पहले ऑडिशन की बात भी बताई जहां उन्होंने कहा कि मैं अपने पहले ऑडिशन में तो अपना नाम तक नहीं बोल पाया था, आ आ आ करके अपना नाम मैंने कहा और वो मेरा वर्स्ट ऑडिशन रहा। लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही थी, ऑडिशन मैं दे रहा था, मेरे दोस्त ने एक बार मुझे ऑडिशन के लिए बुला लिया और जब ऑडिशन के लिए पहुंचे वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। मैंने देखा कि मेरे सामने तो ऑडिशन देने के लिए कई अच्छे एक्टर्स, अच्छे चेहरे, मॉडल वहाँ पहुँचे हुए हैं, भाई मेरा चांस तो यहाँ नहीं लगेगा। इसलिए वो सिर्फ मस्ती करते रहे अपने दोस्त के साथ। ऑडिशन के लिए भी गए तो वहाँ भी मस्ती कर कर कचरा कर कर आ गए, लेकिन उन्हें क्या पता था वहाँ से उनकी किस्मत बदल जाएगी। मस्ती करने के बावजूद भी वो प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया और उनका पहला कमर्शियल एड ही उनको इतना बड़ा मिला कि उन्हें 7 वंडर्स को विजिट करना था। यहाँ की भी बहुत अच्छी वो बात बताते हुए नजर आए कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस उन्हें एक ही जगह जाने का मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें मौका मिला हर जगह घूमने का। उनका पहला कमर्शियल ही चाइना, लंदन, पेरिस, हर जगह उन्हें घुमा चुका था और वो इस बात को हमेशा हमेशा सिर्फ याद ही रखते हैं। Thank you.